बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर आज हम कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने प्लांट्स के हार्मोन्स और प्लांट्स के जो डिफेंस मैकेनिज्म था उस सारे के बारे में बात की थी। सो अब जो हमारा आगे चैप्टर सारा चलेगा वो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के बारे में, सही। सो कोऑर्डिनेशन किसे कहा था हमने, हम आहंगी, ये भी आपको याद होगा। और कोऑर्डिनेशन जो से है ना, वो दो किस्म के हमने पहले भी डिवाइड किया था। एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी, और दूसरा है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने हार्मोन्स स्टडी करने के जी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाके अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस तरह प्लांट के हार्मोन्स स्टडी किए थे हमने। एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम आ जाएगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम न्यूरल कोऑर्डिनेशन के अंदर आएगा। सो हमने स्टार्ट में न्यूरल कोऑर्डिनेशन ही पढ़नी है। न्यूरल नर्वस कोऑर्डिनेशन या न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम इसे, इसकी दो टाइप्स हैं वैसे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम की, उसे हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है जी, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद कह लें कि ये जो मैसेज है, रिसेप्टर्स मैसेज आगे न्यूरॉन्स को देते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स आगे ये मैसेज लेके जाते हैं इफेक्टर्स के पास, इफेक्टर्स के पास। सो यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन को आप फंक्शनली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक रिसेप्टर्स हैं जो मैसेज यानी स्टिमुलाई रिसीव करेंगे, रिसेप्टर्स क्या करें, दे आर रिसीविंग स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई को हमने क्या कहा था भला, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज, यानी कोई भी चेंज आती है तो रिसेप्टर्स सबसे पहले इसे सेंस करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स उसको कन्वे करेंगे, ठीक है, यानी उस रिसेप्टर्स से उसे मैसेज को आगे लेके जाएंगे ब्रेन की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम CNS, ठीक है, कि ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जाएंगे, सही। और लास्ट में अफेक्टर्स हैं, अफेक्टर्स से हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो मसल्स हैं, सही, और दूसरा हार्मोन्स है, ठीक, हार्मोन्स नहीं सॉरी ग्लैंड्स कहेंगे हम, दूसरे क्या है जी, ग्लैंड्स। अफेक्टर्स में मसल्स और ग्लैंड्स, यानी रिसेप्टर्स सबसे पहले स्टिमुलाई रिसीव करेंगे और न्यूरॉन्स उसे कन्वे करेंगे, ठीक है, यानी आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसे वापस भी लेके आएंगे अफेक्टर्स तक। अफेक्टर्स क्या करेंगे, उस मैसेज का रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ठीक है जी। अफेक्टर्स ने क्या करना होता है, रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। अफेक्टर्स की दो कैटेगरीज है, मसल्स या फिर ग्लैंड्स। यानी मसल्स होंगे तो वो कोई हरकत करेंगे, ठीक है, यानी मसल्स और ग्लैंड्स दोनों क्या जनरेट करते हैं, रिस्पॉन्स। अगर मसल्स हैं तो वो उसके हरकत यानी कोई ना कोई मोशन क्रिएट करेंगे, जबकि ग्लैंड्स में सिक्रीशंस आएंगे, ठीक है, कोई ना कोई सिक्रीशंस सिक्रीट करेंगे जिसकी वजह से आगे मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प आउट होगी, सही है। सो हम बारी बारी सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ कह लें कि सेल्स ऐसे होते हैं या न्यूरॉन्स कह लें ऐसे होते हैं, ठीक है, जो के स्टिमुलाई को सेंस कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप कह लें कि सेल्स आर पार्ट ऑफ द सेल, सेल्स विच, ठीक है, यानी ये एक सेल भी हो सकता है या सेल का कोई हिस्सा जो के डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरमेंट, चेंज इन द एनवायरमेंट, जिसे हमने
स्टिमुलाई भी कहा था, ठीक है। यानी रिसेप्टर्स का बेसिकली काम क्या है कि ये सेंस करते हैं, किस्म के सेंसरी ऑर्गन्स कह लेंगे, ये सेंस करते हैं कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट के अंदर आती है, ठीक है। और एक बड़े मजे की चीज है यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर करंट होता है। बॉडी हैज करंट, बॉडी के अंदर करंट किस शक्ल में होता है? इम्पल्सिस की शक्ल में, ठीक है। और ये बेसिकली इम्पल्सिस क्या होते हैं? ये मैसेजेस होते हैं, ठीक है। इम्पल्सिस क्या होते हैं? मैसेजेस होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल अलोंग न्यूरॉन्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह ये इम्पल्सिस ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी तक आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्सिस होता है, या करंट भी कह सकते हैं किस्म का, ठीक है। करंट होता है इम्पल्सिस की शक्ल में, जो कि मैसेजेस को कन्वे करता है। मतलब रिसेप्टर्स सबसे पहले एक्साइट होते हैं, उनके अंदर इम्पल्स जनरेट होती है, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे एनालाइज करता है, ठीक है। और फिर वो ट्रैवल करता है न्यूरॉन्स के जरिए, ठीक है। एक छोटी सी पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपने, तो इम्पल्सिस ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, जिस तरह कंप्यूटर में कोडिंग होती है 1010, इस तरह इम्पल्सिस होती हैं बॉडी के अंदर जो कि मैसेज कन्वे करती है आगे, सही। अब हम आते हैं रिसेप्टर्स की टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, सो रिसेप्टर्स को आप ब्रॉड वे के अंदर 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक है, फर्स्ट वन इज कीमो रिसेप्टर, ठीक है। नाम से जाहिर है कि जो किसी केमिकल चेंज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। केमिकल चेंज किस किस्म की हो सकती है? जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हो, लाइक स्मेल होगी, टेस्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब को जो कह लेंगे डिटेक्ट करेगा वो कीमो रिसेप्टर्स के अंदर आएगा। नहीं, इट डिटेक्ट्स केमिकल्स, ठीक है जी। केमिकल्स में कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है जी, स्मेल है, इसके अलावा टेस्ट है, इसके अलावा फैटी एसिड्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन सबको डिटेक्ट करने के लिए जो है हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, रिसेप्टर्स बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, बॉडी के किसी खास ऑर्गन में भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिसेप्टर्स आपको बॉडी के अंदर मिलेंगे, ठीक है, लंग्स के अंदर हैं, इसके अलावा किडनीज के अंदर होते हैं। स्मेल के आपको नोज के अंदर मिलेंगे, टेस्ट के आपके माउथ के अंदर हैं, खासतौर पर टंग के ऊपर होते हैं, टेस्ट बड्स जिसे हम कहेंगे। फैटी एसिड्स का, ग्लूकोज वगैरह का जो रिसेप्टर्स हैं, ये आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम GIT के अंदर मिलते हैं, ठीक है, वो सिक्रीशंस को प्रमोट करते हैं, ठीक। कुछ ये हो गए कैमो रिसेप्टर्स, इस तरह कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है जी, मैकेनो रिसेप्टर्स, ये डिटेक्ट करते हैं कह लेंगे मैकेनिक्स को, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज जिसका कोई मोशन से लिंक हो, लाइक टच हो गया, प्रेशर हो गया, हीरिंग या इक्विलिब्रियम वगैरह के लिए, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स से क्या बनाता है? यानी जो बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करते हैं या फील करते हैं, ठीक है। यानी समवन रिलेटेड टू द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को आप कहते हैं, यानी फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन को डिटेक्ट करने के लिए ये चीज होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल टच है, सही, प्रेशर है, प्रेशर के अलावा हियरिंग जो सी है, हियरिंग यानी जो आवाज सुनते हैं, ये भी मैकेनो रिसेप्टर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो आवाज होती है ये वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है, ठीक है, और ये जाके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, यानी वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है ना, तो इसलिए से हम मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर डालेंगे, यानी हियरिंग भी एक मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर आ रही है। इसके अलावा आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम भी मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम की आपको मैं इस तरह एग्जाम्पल दूं, मसलन आप ज्यादा अगर घूमते हैं, ठीक है, तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो उसके लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं आपके, खासतौर पर इनर ईयर के अंदर, ठीक
ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे किस किधर होते हैं रिसेप्टर्स। ओके, मैकेनो रिसेप्टर्स के बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं उन्हें आप फोटो रिसेप्टर कहते हैं, जो कि आपकी आंख में पाए जाते हैं। फोटो सॉरी रिसेप्टर्स, ठीक है, फोटो मीन लाइट, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, दे डिटेक्ट लाइट। ठीक है, लाइट के दो पोर्शन होते हैं, एक कलर होता है और एक ब्राइटनेस होती है। ठीक है, कलर के लिए होते हैं रॉड सेल्स रेटिना के ऊपर ना, और ब्राइटनेस के लिए होते हैं, ओ सॉरी मैं उल्टा कह गया हूँ जी, ये मिटाना पड़ेगा। कलर के लिए जो होते हैं वो कौन सेल्स होते हैं, जा हो जा हो जा हो जा, कलर्स के लिए कौन सेल्स होते हैं, और जबकि ब्राइटनेस के लिए आपके रॉड सेल्स होते हैं जो कि रेटिना की लेयर पे होते हैं। मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो है, ये कलर के लिए हमारे पास कौन सेल्स, ब्राइटनेस के लिए रॉड सेल्स, ठीक है, जो कि आपके किसे कहोगे रेटिना की लेयर के ऊपर होते हैं, रेटिना की लेयर पे होते हैं। ठीक है, तो कलर के लिए कौन सेल्स और ब्राइटनेस के लिए रॉड सेल्स, और ये फोटो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये आपकी आंखों में पाए जाते हैं, आंखों की पिछली जो लेयर होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं उसके अंदर होते हैं ये। अच्छा, फोटो रिसेप्टर्स के बाद थर्मो रिसेप्टर्स हैं। थर्मो रिसेप्टर जाहिर बात है, नाम से जाहिर है कि वो टेम्परेचर को सेंस करेंगे, ये आपकी स्किन पे होते हैं। ठीक है, ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि आपकी स्किन में पाए जाते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ डायग्राम भी रखी हुई है, मतलब वीएन के लिए ये रॉड सेल्स हैं, ये कौन सेल्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये ब्राइटनेस के लिए होंगे और ये कौन सेल कलर को डिफरेंशिएशन के लिए यूज होंगे। ये हियरिंग के लिए ईयर ड्रम है, बेसिकली ईयर ड्रम बना। ये स्मेल है या नोज में होती है, टेस्ट नोज से टेस्ट बर्ड है, ये आपके जुबान पे होती है। टच के लिए ये फ्री नर्व एंडिंग्स है, फ्री नर्व एंडिंग्स जो है ना ये बेसिकली थर्मो रिसेप्टर्स के अंदर आ जाती है, थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि बेसिकली टेम्परेचर को सेंस करती है, टेम्परेचर सेंसिंग इसका कह लेंगे, या टेम्परेचर डिफरेंस को ये डिटेक्ट करती है। सो टेम्परेचर सेंसिंग के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ को सेंस करेंगे, जाहिर बात है वार्म्थ, गर्मी को एंड कोल्ड। ठीक है, वार्म्थ एंड कोल्ड को ये सेंस करेंगे। ठीक है, और ये स्किन पे होते हैं, यूजली दे आर प्रेजेंट इन स्किन। सही, एक और रिसेप्टर है जिसे हम नोसी रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, वो फिफ्थ कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे दिखता हूँ, फिफ्थ कैटेगरी में नोसी सॉरी रिसेप्टर्स। ठीक है, नोसी रिसेप्टर्स जो से हैं ये भी अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं, इनकी सही तरीके से आपको कह लें कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग के साथ, और ये पेन की सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, पेन प्रोड्यूस करते हैं, पेन प्रोडक्शन या पेन की फीलिंग कह रहे हैं, प्रोडक्शन की जगह पे आप पेन की फीलिंग कह रहे हैं। सही, तो इस तरह यानी आपके टोटल पांच किस्म के रिसेप्टर्स हो गए जो हमने स्टडी किए, स्टार्टिंग फ्रॉम कीमो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल को सेंस करते थे, फिर मैकेनो रिसेप्टर्स थे, फिर फोटो रिसेप्टर, फिर थर्मो रिसेप्टर्स की बात की हमने, और लास्ट में नोस रिसेप्टर्स पे। अच्छा, बात को क्वेश्चन ये आता है कि मतलब जो न्यूरॉन्स हैं ठीक है, वो किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, यानी पेन की सेंसेशन किस तरह आती है, ठंडा गर्म लगने का किस तरह पता चलता है, और दूसरा आपको टच का, प्रेशर का किस तरह पता चलता है, साथ स्मेल वगैरह किस तरह आते हैं, तो उनके पीछे ब्रेन में सेंटर्स होते हैं। ठीक है, यानी जो नर्व ट्रैक है, मतलब नोज के अंदर आपके मौजूद होंगे कौन से, यानी इसमें कीमो रिसेप्टर्स होंगे,
कीमो रिसेप्टर्स, और ये नोज की जो कह लें कि नर्व ट्रैक है, ये जाके एंड होगा कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, इसे ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का है, तो वहां जाके इसके अंदर सेंस प्रोड्यूस होगी स्मेल की, कि आया ये खुशगवार है या बदगवार है, ठीक है, तो जिस किस्म की भी स्मेल होगी, तो यानी हर जो नर्व है जिसका रिसेप्टर के साथ लिंक है, वो जाके ब्रेन में किसी खास जगह पे एंड होती है, जहाँ पे जाके फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, स्पेशल किस्म के सेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मतलब अब जो आईज के अंदर होता है, आईज के अंदर कौन से होंगे भला, फोटो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, और फोटो रिसेप्टर की जो आई आ रही है वो विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर आ रही है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर की जो नर्व होगी एंडिंग विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर होगी, और वहां जाके वो यानी कह लेंगे जो इमेज की सेंसेशन होती है ना, जो आपको कह रहे हैं कि सामने नजारा नजर आता है, वो फोटो रिसेप्टर के जरिए विजुअल कॉर्टेक्स जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट आ गया, हम जब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे उस टाइम आपको सही आइडिया होगा, सही। सो एक तो ये वजह यह है कि ईच नर्व ट्रैक, ठीक है जी, हर नर्व ट्रैक जो सा है वो खास एक स्पेसिफिक एरिया पे टर्मिनेट होगा, ठीक है जी, टर्मिनेट्स एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के खास हिस्से के अंदर जाके वो रुकता है, जहां पे वहां पे उनकी सेंसेशन क्रिएट होती है, ठीक है। दूसरा दूसरी चीज हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, सेंसर्स जो से होते हैं ना, सेंसर्स सॉरी सेंसर्स जो से, ये थोड़े स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है, कि खास किस्म के रिसेप्टर्स खास किस्म की ही स्टिमुलाई को पिक करते हैं, सही, खास किस्म के रिसेप्टर्स, मतलब अब जो हमने कोन और रॉड सेल्स पढ़े थे ऊपर, ठीक है, वो किस चीज को पिक करेंगे, लाइट के लिए, ठीक है जी, ये वीएन के लिए होगा, इस तरह ये हियरिंग के लिए है, ये स्मेल के लिए है, ये टेस्ट के लिए है, और ये टच के लिए है। सो जो फीलिंग्स कह रहे हैं या सेंसेशन में या रिसेप्टर्स के अंदर जो डिफरेंसिएशन है, यानी अलग अलग हमें चीजें महसूस क्यों होती हैं, उनकी दो वजूहत है, एक तो ये कि जो नर्व ट्रैक है वो जाके ब्रेन में खास हिस्से में जाके रुकता है, वहां पे जाके वो कह लेंगे एनालाइज करता है ब्रेन, और बताता है कि ये इस चीज का मैसेज है या इस चीज का ये स्टिमुलाई है, ठीक है। और दूसरा सेंसर्स जो से होते हैं, जिसे हमने रिसेप्टर्स कहा है, एक किस्म के रिसेप्टर्स हैं, ये खास एरिया में जाके कह लेंगे सॉरी रिसेप्टर्स भी स्पेशल किस्म की इनकी मेकअप होती है, जो कि खास स्टिमुलाई को पिकअप करते हैं, सही। ओके, इसमें कुछ इन्होंने येलो बॉक्स में लिखा हुआ है बुक के अंदर, मतलब कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट बिहेव करते हैं, मतलब जो रिसेप्टर्स हैं कह लें कि प्रेशर के, ठीक है, प्रेशर के रिसेप्टर स्टोमिक के अंदर, प्रेशर सेंसर्स जो कि किसमें होंगे, स्टोमिक वाल्व में होंगे, स्टोमिक वाल में होंगे, ये हंगर को जनरेट करेंगे, सही है। तो यानी अब जो प्रेशर सेंसर हैं वो स्किन से उठ के स्टोमिक वाल तक जाते हैं, तो उनकी जो कह लेंगे जो सेंस है या जो रिस्पॉन्स सेंस कह लें किस्म की, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो हंगर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इस तरह ब्लड प्रेशर में बाज रिसेप्टर्स का रोल होता है, ठीक है जी, और इस तरह देखिए जो सेंसर्स हैं वो लोकेशन के हिसाब से अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं या सेंसेशन जो उनसे वो चेंज करते रहते हैं, सही, स्किन पे कुछ और फंक्शन है उनका, बॉडी के अंदर कुछ और फंक्शन, इस तरह होता है। ओके, ये हो गया हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, हमने आज सिर्फ रिसेप्टर्स को डिस्कस किया है, ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल्स हैं या पार्ट ऑफ सेल जो कि स्टिमुलाई को पिक करते हैं, ठीक है, कि नहीं बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है वो इम्पल्सिस की शक्ल में मैसेज आकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर हमने रिसेप्टर्स की टाइप्स पढ़ी, कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, देन थर्मो रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स। फिर हमने कहा जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसेशन अलग अलग क्यों होती है, उनकी दो वजूहत है, एक तो ये कि जो नर्व ट्रैक है वो खास ब्रेन के हिस्से में जाके रुकेगा, और दूसरा हर सेंसर थोड़ा स्पेशलाइज है अपने काम के हिसाब से, मतलब जो नोसी रिसेप्टर है वो पेन को पिक करेंगे, जो थर्मल रिसेप्टर है वो टेम्परेचर वगैरह को पिक करेंगे,
और कुछ हमने कहा कि रिसेप्टर्स के अगर लोकेशन चेंज करें तो उनके जो कह लें कि काम होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब सेंसेशन उनकी चेंज हो जाती है। मतलब जो प्रेशर सेंसर्स हैं वो स्टोमिक के अंदर जाके हंगर को क्रिएट करते हैं, यानी भूख का लगने को कहते हैं। ओके सो अगले लेक्चर के अंदर हम थोड़ा आगे जाएंगे और सेंसरी रिसेप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू स्किन बात करेंगे, स्किन के अंदर जो जो होते हैं।